नहीं दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज एक नए वीडियो में आपके साथ आए हैं। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैडम के साथ एक वीडियो बना दीजिए, किसके ऊपर? बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के ऊपर, क्योंकि आपको पता है उसके जो फिजिकल है, पहले एग्जाम होने वाला था, ध्यान दीजिए, पहले एग्जाम होने वाला था, अब क्या है, अब उसका हो गया है फिजिकल स्टार्ट। और कब होगा? 3rd week of December। तो आई थिंक सो कि यार 20-22 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाने चाहिए फिजिकल। तो पहली बात यह कि आपके डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी कमियां आने वाली हैं वहां पर, जैसे हमने देखा है, जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि वहां पर जाके आपको दिक्कत ना आए। आपकी डेट, एक्सपायरी डेट क्या होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, रनिंग के बारे में बात करेंगे, फिजिकल के, वेट के, मतलब ओवरऑल ये वीडियो एक परफेक्ट हो जाएगी कि आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका, जैसे मैंने बताया कि आपका 20-22 तारीख से दिसंबर के आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। पहले होने वाला था इनका एग्जाम होने वाला था, बट अब फिजिकल है, तो उसी से आपसे देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया होगा, कंफ्यूजन हो गया। लेकिन फौज में अगर आपको फौज की नौकरी करनी है, पैरामिलिट्री या सीएपीएफ की नौकरी करनी है, तो उस तरह का मेंटली आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। आपको हर सिचुएशन में हैंडल करना चाहिए, मतलब अब फिजिकल बेटर है ये भी। हाँ, बेटर है आपको, थोड़ा कंपटीशन मुझे लगता है कम ही होगा इससे। हाँ, और सबसे बढ़िया बात है इनको फिजिकल में क्या क्या करना है। फिजिकल में कुछ होना नहीं है, होना क्या नहीं है, आपकी हाइट कितनी है, 165 सेंटीमीटर मेल की और फीमेल की 155 सेंटीमीटर है। अगर आप ST हैं तो 162.5 सेंटीमीटर मेल की और 150 के आसपास आपकी हाइट होनी चाहिए, यही है। और चेस्ट की बात करें तो आपका 77-82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, और फीमेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और एसटी कैंडिडेट के लिए एक इनकी छूट मिल जाती है। तो ये हो गया आपका चेस्ट हाइट वेट। और रनिंग आपकी, रनिंग सबसे बड़ी बात है। देखो ये सब चीज़ में आप कुछ नहीं कर सकते, चेस्ट में, रनिंग में, चेस्ट में कर सकते हैं पर हाइट में आप कुछ नहीं कर सकते, जितनी है उतनी है, उतनी है, और रनिंग में बहुत कुछ कर सकते हैं। रनिंग है ही नहीं, नहीं है, ओह माय गॉड, रनिंग नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें रनिंग कितनी होगी, कैसे होगा, तो रनिंग नहीं होगी मेरे भाई, रनिंग के चक्कर में मत पड़ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की बेहतरीन आपकी वैकेंसी होती है, और चेयर कुर्सी पे बैठना है और बाबूगिरी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो भाई सच में हमने तो रनिंग की थी। हाँ, और एक चीज और पूछ रहे थे कि अगर हमारी थोड़ी बहुत हाइट जो है वो ऊपर नीचे है तो क्या हमें जाना चाहिए? नहीं, अगर वहाँ का स्टाफ के ऊपर डिपेंड है, जाना चाहिए, आप जाओ, जरूर जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता आप निकलोगे या वहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे। हाँ। काफी बार हाइट का होता है मेजरमेंट, एक बार कम आगे हो सकता है, एक बार ज्यादा भी आ जाए, अगर तुम्हारे मेजरमेंट में और उन लोगों के मेजरमेंट में बहुत अंतर होता है। और मैंने कई वीडियो देखी थी, उसमें बोला था कि वेट में नहीं निकलते हैं, तो वेट में निकलते हैं क्या? वेट हाइट के हिसाब से मांगते हैं वहाँ भी, मतलब वेट में बहुत कम ही, बहुत ना के बराबर निकलते हैं। लेकिन मैं लाइव एग्जांपल हूँ, SSB हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी 2013 की, और मुझे बेट में निकाला था, मेरा कितना एक्सिस था आपको पता नहीं कैसे निकला, 2 kg, मेरा 2 kg एक्सिस था। में हमारे यहाँ तो मतलब जो मेरा सेंटर था, मैंने भी दिया है ये, तो जो हमारा सेंटर था वहाँ पे इतने में नहीं निकाल रहे थे, बल्कि बोलते थे जाओ पानी पी के आ जाओ, बहुत सारा केले खा के आ जाओ, मतलब अपना वेट बढ़ा लो, एंड टू एंड इंस्टेंट वेट बढ़ जाए। लेकिन मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मेरे को भी यही वीडियो देखी थी मैंने कि यार कुछ नहीं होता, क्या होता है कुछ, लेकिन मैं 2 kg वेट मेरा एक्सिस हो गया था और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था SSB के हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल होंगे भाई, मेरे साथ हुआ था। इसलिए अगर आपके पास चांस है, अभी टाइमिंग है, तो अपने आप को बिल्कुल मेंटेन करके लेके जाना। कितना चार्ट होता है, क्या होता है, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, यार नेट पे भी देख सकते हैं कि भाई वेट हाइट के हिसाब से किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे बहुत होंगे जिनको पता नहीं होगा कि वेट में भी निकल रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन एक्सपीरियंस टाइम के साथ एक्सपीरियंस आता है। चलिए आपके फिजिकल के बारे में मुझे लगता है डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हाइट, वेट, चेस्ट यही है और आपका होना नहीं है। और चेस्ट जो है वो यहाँ से नीचे से नापते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए बता दो, मेल कैंडिडेट के लिए बता दूँ कि नीचे से नापते हैं, बिल्कुल निप्पल से नहीं, नीचे से थोड़ा सा नापते हैं। तो अपना चेस्ट ठीक ठाक, अपना दंड बैठक लगा लीजिए, सुबह वो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम है, फिजिकली मेंटली चेस्ट को मतलब बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, लगाने में अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी किसी सेंटर पे आपके पहले फिजिकल हो जाएगा, किसी किसी सेंटर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले किया जाएगा, दोनों ही होने हैं। पहले देखिए, फर्स्ट स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिजिकल हो गया, फिर उसके बाद रिटिन होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग या स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और फिर सब कुछ हो जाएगा। वेट के बारे में एक चीज़ बता दूँ, स्टार्टिंग में भी वेट होता है और मेडिकल के टाइम पर भी वेट होता है, तो ये गलत फहमी मत है ना, मुझे जो निकाला था वो स्टार्टिंग में ही निकाल दिया था फिजिकल के टाइम पर, ये नहीं कि भाई मेडिकल के टाइम पर अलग से होगा। वेट वगैरह तो सब होता ही है, मेडिकल के टाइम पर भी होता है, तो मेंटेन करके जाना,
आपका नसीब अच्छा है कि भाई फर्दर नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको भेज दें, ओवरवेट अंडरवेट होते हुए भी, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इनको लेके जाना चाहिए? देखिए जो मांग रहे हैं ट्वेल्थ से है, हाँ ट्वेल्थ से है तो सबको पता होगा ट्वेल्थ से है तो ट्वेल्थ का तो आपको 100% अपना लेकर के जाना है, उससे ऊपर आपके जितने भी हैं लगा दीजिए, क्या जा रहा है बाद में। हाँ जो आपने लगाया है, देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे बोर्ड मतलब डेस्क लगी होंगी, सब उस पर बैठे होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, तो ट्वेल्थ से वैकेंसी निकली है तो ट्वेल्थ की मार्कशीट और सनद अगर एक ही है तो एक ही चल जाएगा। उसके ऊपर मान लिया आपने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन में आपके कुछ मिस्टेक है, कुछ पेपर गलत है, डजंट मैटर, क्योंकि वैकेंसी आप ट्वेल्थ से देख रहे हैं ना कि ग्रेजुएशन देख रहे हैं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट में कुछ भी है फाड़ देंगे भी नहीं, देखेंगे इतना बस, देखेंगे अच्छा है ठीक है बढ़िया है, लेकिन उनका जो मेन फोकस होगा वो होगा ट्वेल्थ से, क्योंकि 12, आप जो वैकेंसी देख रहे हो ट्वेल्थ केवल, हाँ ट्वेल्थ तक के, हाई स्कूल ये मत छोड़ना कि मतलब हाई स्कूल का छोड़ जाओ कि ट्वेल्थ ही है, हाई स्कूल क्यों लेके जाते हैं क्योंकि उसमें उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, वहां से वेरीफाई करेंगे कि भाई आपकी मान लो 18 साल एज हो गई नहीं हुई या कितनी है लास्ट डेट आपकी, मान लो 23 साल तक मांगे तो 23 साल है नहीं, होते हैं जो मतलब हाई स्कूल वहां से कर लेते हैं जहां मान्यता नहीं है, जिससे मैंने सुना था वृंदावन बोर्ड होता है, अब तो वो खत्म ही कर दिया है, अब हाँ, शायद जो भी वो समकक्ष माना जाता है हाई स्कूल के, हाँ तो आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेंगे और माता पिता के नाम चेक कर लेंगे, लेकिन माता पिता के अगर नाम में आपके डाउट है तो आपके रिजेक्ट नहीं करेंगे, कोर्ट से आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि भाई मेरी ये मिस्टेक है ये है मैं उसको ठीक करा लूंगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, बाहर नहीं निकालते, लेकिन डेट ऑफ बर्थ आपकी इंपॉर्टेंट है भाई, वहीं से आपका वेरीफाई होगा कि आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि और ऑप्शन इनके पास है नहीं। तो मार्कशीट लेके जानी है, सनद लेके जाना है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना चाहते हैं सेंटर का केंद्र का तो वो लेके जाइए, और सारे के डॉक्यूमेंट्स जो है एक निश्चित डेट जो दी है ना लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन के, हाँ, जो लास्ट डेट होती है उस तक का मान्य होता है, लेकिन कहीं कहीं सेंटर पर आपको रिलैक्सेशन देते हैं कि भाई जो आपकी एज में रिलैक्सेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसमें थोड़ा सा ले जाइए, वहाँ चल जाता है, बात के भी चल जाते हैं, ओबीसी एससी एसटी फिलहाल लेके जरूर जाइए अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो। हाँ और क्या है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं डेट देख लेना, कॉपी लेना, ओरिजिनल भी लेके जाना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो ओरिजिनल से तो वेरिफिकेशन करेंगे, उनके पास में माध्यम थोड़ी ना है, सब सही बात है, कॉपी लेके जाना, हो सकता है वो जमा भी करेंगे, एक फोटोकॉपी लेके जाना और ओरिजिनल जमा तो करेंगे ही, मुझे 100% पता है जमा करेंगे ही वो, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन भी तो रखी होगी उनके पास, लेकिन फिर भी अपना फॉर्मेलिटी तो पूरा करेंगे ना, अपनी तरफ से ले जाना, ऑनलाइन में कोई क्या भर रहा है किसी को पता चल रहा है नहीं चल रहा, तो डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना, स्थायी प्रमाण पत्र लेके जाना, दो कॉपी दो सेट बना के ले जाना, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो लेके जाना, तो वो सारी चीज़ें जरूरी हैं, एक अपना आईडी प्रूफ लेके चले जाना और एक एडमिट कार्ड और कपो लेके जाना, ये सब कुछ चीज़ें लेके जाना, आईडी प्रूफ की भी कॉपी, फोटोज जरूर लेकर जाना और थोड़े बहुत पैसे लेके जाना, 5-6 हज़ार रुपये 6 हज़ार रुपये लेके जाना, क्योंकि कहाँ जहाँ जहाँ आपका सेंटर वहाँ जा रहे हैं तो कुछ दिन स्टे करना पड़ सकता है आपका, 1 से 2 दिन स्टे करना, उस हिसाब से क्या पता आपका 2 घंटे में हो जाए, लेकिन इससे पता है सर अब करना नहीं पड़ता ज़्यादा, मतलब इतना पास सेंटर दे देते हैं, हो सकता है दूर देते हैं फिर भी एक दिन में अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ठंड पड़ रही है अपनी सुख सुविधा के हिसाब से लेकर जाना, लेके जाना, दिक परेशान मत होना, अपने आप को सेफ रखना, क्योंकि ये वैकेंसी के बाद कोई दूसरी वैकेंसी है, फिर तीसरी वैकेंसी है, तो अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार रखना, और इसके पैरेलल ये मत सोचना कि यार फिजिकल है अभी तो फिजिकल में घुस मत जाना पूरी तरह से, यार फिजिकल ही तो है, उसके बाद आपको रिटर्न देना है, सबसे मेन वही है रिटर्न, उसी से तुम्हारा सब कुछ जॉब होगी वहीं से शुरू होगी, वहीं से शुरू होगी, तो हमने जो एक्सपीरियंस लिया है जो भर्तियां हमने टक्करें बहुत खाई हैं दोनों ने, मैंने भी बहुत खाई है टक्करें खाई हैं, उसी से आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि यार कल को आपको दिक्कत ना आए, ये वो वीडियो बनाने का पर्पस ओनली यही था कि आपको दिक्कत ना आए कि आपको क्या क्या लेके जाना है, तो पहले आपका हाइट वेट चेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको भेज देंगे, उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर आपका रिटर्न एग्जाम के लिए कॉल आएगी और उस पर भी मॉनिटर करिएगा, उसके बाद आपका टाइपिंग और स्किल टेस्ट हो जाएगा शॉर्ट हैंड वालों का, फिर मेडिकल हो जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और हम तो दुआ करते हैं आराम से बोल दिया कि हो जाएगा, पर तुम लोग जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, वर्ड के पीछे ना कि हो जाएगा, पीछे बहुत मेहनत होती है, जो हो ना यार हो जाएगा उस पीछे आप देखिए कितनी मेहनत आप करेंगे, तो वहां तक पहुंचना है अपनी रणनीति बना लीजिएगा, चार्ट लगा लीजिएगा, मुझे इस टाइम पे ये दिया है तो इसको इस तरह से पास करना है, इसको इस तरह से पास करना है, ठीक है, उस जो आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं उसको कभी भी स्किप मत करना, एक दिन स्किप कर दिया तो दूसरे दिन बहुत आराम से स्किप कर सकते हैं मेरी। हाँ तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई दिक्कत है परेशानी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, इस वीडियो में थोड़ा सा और बता दीजिए कि सफर में कैसे वो सरवाइव करें ठंड में बहुत ज्यादा 22 दिसंबर बहुत ज्यादा ठंड है, खिलाड़ी आदमी 18 साल से सब ऊपर है, सब तेज तर्रार है जितने देखने वाले हैं वो कर लेंगे, ये ज्ञान वाली बात हो जाएगी कि कितना ज्ञान, मम्मी अगर जैकेट और टोपा वगैरह दे तो ले जाना, लेडीज वाली देखो
मतलब किसी की तरह भटकना मत। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।